all of us settling up the things. अरे हवा कितनी चल रही है। Cheers to our next continent travel. To our next continent travel. My God. एक ही सांडी हो तो नहीं चल सकते continent travel. ये देख लो मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं गाइस, बता ही नहीं सकती, बंदा अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर सकता है। साउथ अफ्रीका, सो वी आर गोइंग टू कवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिस टाइम एंड होपफुली ये ट्रिप विल बी गुड। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वेजिटेरियन। ये लो सोस है। जैसे खाना आया ना, रिचा के मुंह पे तो स्माइल आ गई है, वो सो रही थी एकदम। हम लोग कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा फिर से ट्रिप शुरू होने वाला है। सोचा पहले मंदिर हो आते हैं। पहले भगवान जी की ब्लेसिंग ले लो, हम जा रहे हैं शिव मंदिर। आज शिवरात्रि भी है, बहुत बड़ा दिन भी है, तो भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और धूप काफ़ी अच्छी है और हम लोग एक्साइटेड हैं शाम के लिए, क्योंकि आज सुबह से हम दोनों काम कर रहे हैं ऑफिस का और शाम को हम लोग निकल जाएंगे 4 बजे के करीब, क्योंकि हमारी फ्लाइट है 8 की 9 बजे है कुछ, तो उस हिसाब से हम निकलेंगे। पहले फटाफट मंदिर जाते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर, तो इस पीछे सिद्धि आश्रम शक्ति सेंटर और यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। मुझे लगता है राम वो थी ना, राम स्थापना थी जो अभी जो हुआ था। बहुत अच्छा मंदिर सजा हुआ है, भीड़ देखो अंडे है। अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, हमें लगा था हम जल्दी पहुँचो मंदिर में। शिवरात्रि की रौनक देखिए, कितने लोग आए हुए हैं। अभी ये ऑफिस आवर्स चल रहे हैं तब भी लाइन देखो। तो मंदिर में तो फुल लॉन सजावट हुई हुई है, ठंडाई बढ़िया सी। चले अभी निकलते हैं। तो हम लोग रेडी हैं मंदिर के आने के बाद। हम तो लोगों ने अपने ऑफिस का काम ऐसे खत्म किया ना, अभी हम लोग फटाफट बस निकल रहे हैं। हमारा गैटविक एयरपोर्ट से है और लाइटें वाइटें सब बंद कर दिया घर की हमने, और वॉशिंग अपना ये भी चला दिया मशीन को भी। सौरभ इज चेकिंग लास्ट बिट, पासपोर्ट बस होने चाहिए। हमने दोनों बैग लेके नया वाला रेडी, मैंने नेल पॉलिश वगैरह लगा लिया जो मैं बहुत ही मिनटों के बाद लगाती हूँ। बहुत टाइम बाद लगाती हूँ। हाँ चले अब, लेट हो सौरभ इज सेटलिंग अप द थिंग्स। अरे हवा कितनी चल रही है। टोपी पता नहीं कौन से बैग में पड़ी है। टोपी चाहिए? नहीं मेरे पास है, इस वाले बैग में है। अभी हम लोग आ चुके हैं लंदन ब्रिज के स्टेशन पे। हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट ट्रेन लेने वाले हैं, क्योंकि अगर हम टैक्सी में जा रहे थे ना तो हमें 2.5 घंटे दिखा रहा था ट्रैफिक की वजह से। तो फिर हमें सोचा थोड़ा थोड़ी ही ना मजल मार के ट्रेन में चले जाते हैं, कम से कम 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो यार ट्रैफिक बचाना बहुत जरूरी है, इट्स लाइक टू मच। अभी वीकेंड है और एकदम पीक टाइम है, इसलिए यार मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि 2.5 घंटे। तो गूगल मैप बता रहा हूँ गैटविक एयरपोर्ट है भी बहुत दूर है, इसलिए फिर हमने सोचा चलो। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेन से एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंच गए हैं। थोड़ा सा भीड़ था इसलिए कुछ शूट ही नहीं हुआ अंदर, ज़्यादा भीड़ था। हाँ मतलब शाम का टाइम है ना, इसलिए सारे ऑफिस से निकल रहे हैं। तो अभी हम फटाफट निकलते हैं यार, मेरे को लग रहा है अपने पास टाइम कम है। सौरभ लेट्स गो फटाफट। हमारी ब्रिटिश एयरवेज की है, अभी हम लोग बस देख रहे हैं। उधर है हमारा शायद लंदन गैटविक कैफे। कहाँ गया सौरभ? किधर? कहीं भी चले? कहीं भी चले कि कहीं वहाँ उधर से जाना है। बोर्डिंग पास तो ले लिया है, अब जा रहे हैं चेक इन करने। बिल्कुल भीड़ नहीं एक्चुअली में ना, एक्चुअली हमारी एक्चुअली इसलिए नहीं थी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं प्रीमियम इकोनॉमी में। हाँ तो वहाँ पे रश नहीं है। हाँ दैट इज एक्चुअली। और सामने क्या दिख रहा है मुझे वो देखो सामने। तो पहले मेरे को कॉफ़ी पीनी है फिर आगे चलना है। सिक्योरिटी चेकिंग थोड़ा बाद में करेंगे, भूख बहुत लगी है यार। और अंदर पक्की बात है मिलने नहीं वाला। वन वी है 1 आवर, नो मोर देन 1 आवर एक्चुअली। एक्चुअली मेरे पास वो भी है उसके अंदर जाने के लिए। किसके अंदर? लाउंज के अंदर जाने के लिए। मेरी तो नहीं है तुम्हारे पास। Cheers to our next continent travel.
टू आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ट्रेवल। एक ही साड़ी हो तो कॉन्टिनेंट ट्रेवल। ये देख लो मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं गाइस, मतलब बता ही नहीं सकती, बंदा अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर सकता, ऐसी हालत है। पता क्या है, मेरे मुंह से निकलता सच ठीक है, मैं झूठ बोल नहीं सकता बच्चा की तरह। ओ माय गॉड, वी नीड टू नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। और ये ऐसा बंदा है, इसने कल बुकिंग कराई है सारे होटल। मैंने तो बोला टिश्यू दे दे, उसने एक टिश्यू दिया। मैं क्या कहना है, सब मोर तो उसने एक और पकड़ा। इतनी कंजूसी। ये अच्छी बात है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ठीक है तुम्हारे को 5-6 चाहिए होते हैं ना। तो सौरभ आज मेरे पे बड़ा दयालु हो रहा है, कह रहा है परसपुर से देख ले कोई। चलो तुम्हारी प्रीमियम इकोनॉमी तुम्हें ये बहुत मिलने वाली है, आज 12 बजे के बाद पी लेना। अच्छा मेरी बात सुनो, साउथ अफ्रीका में कौन सी ब्रांड मतलब अच्छी है, वहाँ जाके लोकल तो हम आते समय भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से तो आते तो वैसे ही बड़ी होती है, अभी पहले नया नया अपने नए नए कोच बैग का तो मन्नत मजा ले लूँ जो रिसेंट सौरभ ने गिफ्ट किया था। सौरभ कुछ याद आ रहे है, तुम्हारी जेब खाली की थी। मेरा लूटना मुझे याद आ रहा है, आज तक नहीं समझ आता क्या रखे इस बैग में। एक ना इस लोगों का पैसा है सारा। तो तुमने के लिया फिर सैमसंगाइट का, तुम्हारा भी तो लोगों का ही तो यूजफुल चीज है ना। तो ये यूजफुल नहीं है, फर्क देखो प्राइस का। हां चलो चलो, इसी चीज के बराबर सैंडल का भी एक ले ले। मेकअप है यहां पे। अच्छा सौरभ पता नहीं क्या कर रहा है, घुमा रहा है मेरे को। और भाई साहब हेलो, किधर जा रहे हैं? खाने के लिए देख रहा हूँ। तो अभी तुम कितना खाओगे यार? वो ना हो गया, बच गया। यार मेरे को ना डून लंडन का ना कुछ लेना है यार, मैं देखती रहती हूँ, मुझे होता है कि कुछ ले लूँ यार। बढ़िया से ये नहीं पता क्या लेना है। क्या लेना है, बस लेना है। अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, बस अच्छी ही होगी, डून है लंडन की है, अच्छा ही होगा। बोर्डिंग गेट पे आ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं फाइनली, हम बता देते हैं साउथ अफ्रीका। सो वी आर गोइंग टू कवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिस टाइम, एंड होपफुली आवर ट्रिप विल बी गुड। फिफ्थ कॉन्टिनेंट जो हम कवर करेंगे। यस, और हम लोग अभी 12 दिन के लिए जा रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर केप टाउन एंड देन वे बैक, मतलब बताते जाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बट वी हैव लॉट्स ऑफ प्लान। सो एक्साइटेड इनफ बोथ ऑफ। बहुत एक्साइटेड यार, अब हमारी शक्ल की खुशी से देख सकते हो कि फाइनली यार वी वर्क्ड हार्ड एंड देन वी पार्टी हार्ड, वी ट्रैवल हार्ड। तो अपना बस हमारे सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि अब बहुत सारी नई नई चीजें आपको दिखाएंगे, एडवेंचर बहुत होने वाला है इस ट्रिप में, बिकॉज अफ्रीका इज नोन फॉर जंगल सफारी। जंगल सफारी मिली फाइनली। हम लोग जा रहे हैं केप टाउन साउथ अफ्रीका, आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कब से ना हम लोगों ने वो बनाया हुआ था, सस्पेंस भी नहीं है, आप पता तो चल ही गया होगा। जो लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करते हैं गाइस, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है, सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हाय, थैंक यू। हम लोगों ने लिए प्रीमियम इकोनॉमी, और इसमें हमें मिला है ये मिला है, दिस इज प्रीमियम। हाँ, और ये मिला है, ये मिला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें मिला है जूस आते, ये है हमारी प्रीमियम इकोनॉमी का फंडा। सीट भी काफ़ी मतलब अच्छी लेग स्पेस है, ऑफ कोर्स बिजनेस से थोड़ा सा कम है, एंड स्क्रीन्स हैं, और साथ में उन्होंने हमें किट दी है पूरी। किट के अंदर क्या क्या है सौरभ, एक बार निकालो जरा। किट के अंदर 4-5 चीज़ें हैं, ब्रश है, ये सॉक्स हैं, कंप्रेशन सॉक्स हैं, ओके, आपकी टांगे ना दुखें, और उसके बाद ये सोने के लिए आइस का कवर करने के लिए, एंड देन वी हैव दिस ब्रश, एंड देन वी हैव दिस पेन, एंड देन वी हैव दिस लिप बाम। तो ये चीज़ें दी हैं उन्होंने, अब आगे भी देखो क्या मिलता है हमें, एटलीस्ट वो प्लास्टिक के डब्बों में नहीं हमें मिलेगा, प्रीमियम का ये फायदा। मुझे लगता है सौरभ वी शुड टेक बिजनेस क्लास नेक्स्ट टाइम, प्रीमियम इकोनॉमी इज नॉट वर्थी इनफ, बट चेयर्स। ओह चेयर्स। प्रीमियम इकोनॉमी के कुछ और फायदे आपको बताते हैं, हमें मिला है लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का फुल टूस मेन्यू, और साथ में स्क्रीन तो चलो है ही, और सौरभ को क्या खाना है, सौरभ कह रहा है हमारे पास एक ही ऑप्शन है वेजिटेरियन, ये लो। सो सैड, ठीक है भाई, ये थोड़े से चोचले हैं प्रीमियम इकोनॉमी के। कितनी महंगी पड़ती है प्रीमियम इकोनॉमी नॉर्मल इकोनॉमी से, कितने गुना होती है? 1 लाख महंगी, और बिजनेस वाली 3-4 लाख महंगी होती है। तो जस्ट फॉर एन आइडिया, अगर आपकी नॉर्मल टिकट 700-800 पाउंड की है, तो प्रीमियम इकोनॉमी विल बी 2000 पाउंड,
और बिजनेस विल बी 4,000 to 5,000 पाउंड. सो दैट्स द डिफरेंस. वी गेटिंग नाउ गुड फूड हेयर विद प्रॉपर प्लेट्स एंड एवरीथिंग. मेरे लिए वापस से इन्होंने जूस वगैरह दे दिया है, मैं तो पी नहीं रही. सो और अब थोड़ा बहुत लेकर पीने. ये है कि खाने पीने का बढ़िया बार बार आ रहा है प्रीमियम में. बस पैसा मुझे लगता है 1,00,000 रुपये तरफ खाने पीने का नहीं है क्या? मैं तो तुम्हें बाहर खिला देती हूँ. लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है और अगर आप देखो तो पीछे भी काफ़ी अच्छा जाता है ये. मतलब सोने के लिए बहुत सही है. लाइक कंफर्टेबल प्रीमियम फील आ रही है पूरी. हमारा खाना भी आ चुका है. थोड़ा प्रीमियम खाना तो नहीं लग रहा. हाँ ये है कि थोड़ा सैलड है, ब्रेड है, दिस इज समथिंग, दाल और चने एंड सौरभ एंजॉयिंग द मील. जैसे खाना आया ना रिचा के मुंह पे तो स्माइल आ गई है. वो सो रही थी एकदम. हाँ, मुझे पता नींद आ रही थी एकदम से. आके फूड इज रियली यमी यार. मतलब मेरे टाइप का फूड है पूरा. दान वान मिले हैं, सैलड मिला है साथ में, पेस्ट्री पेस्ट्री और सबसे अच्छी बात है कि प्लेट्स में दिया है, जैसे प्लास्टिक वाली में नहीं है. इट्स प्रॉपर प्लेट्स. तो हो चुके हैं सुबह के 8 बज गए हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो टाइम है वो 2 घंटे रह गया है 1,000 माइल बेसिकली टू रीच टू अफ्रीका. हम वर्ल्ड के इस पार्ट में हैं. ये देखो ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे इंडियन ओशन के और अटलांटिक ओशन यहाँ मिलते हैं. इंडियन अटलांटिक देन अटलांटिका भी दिख रहा है यहाँ से. तो अभी हमें ब्रेकफास्ट मिल चुका है जिसमें हमने वीगन जो लिया था उसमें है सम इडली, सम सांबर, लुक्स लाइक अ सांबर एंड देन चाय तो चेयर्स, अच्छा उपमाए एंड देन चेयर्स एंड भाई प्रीमियम जो हमें बस खाने को मिली जा रहा है यार. इतना तो खाते भी नहीं हम. सो ऑफिशियली सौरभ यू लैंडेड टू अफ्रीका कंट्री ऑफिशियली. अभी तक तो बातों में ही हो रहा था ना. नाउ वी आर इन केप टाउन एयरपोर्ट. चलो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में, अपना सामान लेंगे. अभी है यहाँ पे 20-22 डिग्री टेम्परेचर है तो आने वाला है मज़ा. बस टैन नहीं होना चाहिए क्योंकि टैन उतारना बहुत बड़ी टास्क है. मैं टैन नहीं होना चाहती तो आई वॉन्टेड टू बी डबल श्योर कि पूरा अच्छे से सनस्क्रीन लगा लो कि फिर बाहर निकले. सही बात है. चलो तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करेंगे केप टाउन की, साउथ अफ्रीका की आज से. अगर तो आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स में 10-12 दिन तक हमारे व्लॉग्स देखिए, एंजॉय करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे रील्स और अपडेट्स सारे जा रहे हैं. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.